आए दिन हमें कुछ अजीब केसेस देखने को मिलते हैं जहां लोग रैश ड्राइविंग करते नजर आते हैं, जिसका मेनली रीजन होता है ड्रिंक करके गाड़ी चलाना। रिसेंटली एक लड़की को टायर के साथ करीब 10 से 12 किलोमीटर तक ट्रैक करने का मामला भी सामने आया था। और अभी कुछ दिनों पहले ही एक लड़के ने मुंबई में बोनट पर ट्रैफिक पुलिस को उठाकर गाड़ी चला दी थी। और ऐसे कई सारे केसेस सामने आते रहते हैं। और आज वापस एक सिमिलर इंसिडेंट दिल्ली से सामने आया। ये एक्सीडेंट रिंग रोड दिल्ली से रिपोर्ट किया गया है, जहां मंत्री जी की लैंड रोवर डिस्कवरी पर करीब 3 किलोमीटर एक कैब ड्राइवर को बोनट की सवारी करवाई गई। ये कार बिहार के MP मिस्टर चंदन सिंह की गाड़ी थी और उनके ड्राइवर यहाँ गाड़ी चला रहे थे। और रास्ते में एज पर न्यूज़ रिपोर्ट लैंड रोवर डिस्कवरी एक कैब से टच हो गई, जिस वजह से कैब ड्राइवर नीचे बात करने आया, पर MP साहब के ड्राइवर ने यहाँ गाड़ी नहीं रोकी और 3 किलोमीटर आदमी को बोनट के ऊपर लेके गया, जो कि आश्रम चौक से निज़ामुद्दीन का डिस्टेंस था। कैब ड्राइवर ने यहाँ ये भी बताया कि यहाँ सांसद साहब की गाड़ी के ड्राइवर ने ड्रिंक किया होता। PCR वैन ने पूरा इंसिडेंट नोटिस किया और फाइनली गाड़ी रुकवाई। तो इस तरह की रोड रेज काफ़ी कॉमन होती जा रही है। फर्दर रिपोर्ट्स क्या आना बाकी है, बट मंत्री जी के ड्राइवर की कंडीशन देखकर लगता है कि शायद ये एक ड्रिंक एंड ड्राइव का केस रहा, जिसे आगे पुलिस रिपोर्ट्स ही क्लैरिफाई कर पाएंगे। इनकी गाड़ी में थोड़ी भी सटी हो, रामचल कुमार रामचंद्री सब देखते आ रहे हैं आप आगे से इनको बोनट से ले। नहीं सर, ये जबरदस्ती हमने साथ किए हैं। हाँ, तो ये गाड़ी चला रहे थे आपके बोनट पे चलते हुए आ रहे थे आपके जबरदस्ती? नहीं सर, मैंने नहीं थे। ये जब गाड़ी ये किए हैं तो मैंने गाड़ी रोका। अगर आप इनकी गाड़ी और मेरी गाड़ी को लगा लीजिए वहाँ, अगर थोड़ा सा भी सटा हो तो मैं दोषी हूँ। आप इनको इतनी दूर से अपने बोनट पे ले? नहीं नहीं सर, ये जबरदस्ती चढ़े। जबरदस्ती चढ़े तो आपने रोका भी नहीं? नहीं रोका भी, कहा कि भाई साहब आप ये क्या कर रहे हो। पर अगर ड्रिंक ना भी किया गया हो तो गाड़ी रोकना ही यहाँ पे सबसे पहला स्टेप बनता था। सो ड्रिंक करने के बाद सेंसेस में ना रहने की वजह से ऐसा अक्सर देखने के लिए मिल सकता है, जहाँ पर इंसान नहीं देखता कि सामने कौन है, यानी कि ट्रैफिक पुलिस तक को वो लोग नहीं बख्शते, पर फिर जेल की हवा खाने के बाद उनकी अकल ठिकाने आती है। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि अंजाम आपके सामने है। आप क्या क्या सोच रहे हैं इस तरह के एक्सेंट्स के बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलता हूँ मैं, मिलूँगा आपसे जल्दी एक नए वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम दिस मी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।